गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज अभी दोपहर के 12 बज रहे और हम तीनों भाई बहन जा रहे हैं खेतरापाल। आपको बता था मैंने, वो जंगल के बीच में घर है, वहाँ जा रहे हम। तो मुझे रास्ता थोड़ा बहुत पता नहीं, इसलिए बड़ी मम्मी साथ में आ रही है। एंड अब जहाँ से जंगल स्टार्ट हो गया है और यहीं आते आते थकने लग गए, और घर वहाँ है, वो दिख रहा है आपको वाइट कलर का, वो जंगल में एक ही घर है, तो वहाँ जा रहे हम। बहुत ठंड हो रही है, ये लोग बहुत स्लो आ रहे। मेरी बहन ने पहला ब्रेक ले लिया, देखो वहाँ पे बैठ गई, वो थक लग गई उसको इतने ही चलने से। अभी तो और चलना है, नीचे रोड से भी रास्ता है, बट रोड से बहुत लंबा हो जाएगा। एंड क्योंकि ज़िगज़ैग रोड है ना पहाड़ों में, पूरा यहाँ से जाना पड़ेगा ऐसा घूम के, उधर गदरा करके अंदर है ऐसा रास्ता, फिर वहाँ से बहुत चढ़ान है। रोड से आएंगे तो बहुत चढ़ान स्टीप मिलेगा हमें पहाड़ चढ़ने को, यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट रास्ता है। हालांकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पत्थर भी चलने पड़ेंगे, बट कोई नहीं, मैंने शूज़ पहन लिया है बिकॉज़ मैं गए टाइम चप्पल पहन के गया था, और वहाँ पत्थर पे पैर बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं। रास्ते पे एक बड़ा पत्थर मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे मैंने अपने भाई के साथ फ़ोटो क्लिक की थी, वो फ़ोटो भी आपको दिखा लूँगा मैं। रास्ते में घट आएगा हमारा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया रहेगा, हमारा जहाँ चक्की है वो हमारी ही लोग, हमारी चक्की है वो हमारे 20 लोगों की, सॉरी चक्की यहीं पे ही है। तो आ गया चक्की, ये रही चक्की, ये हमारे 20 लोगों की चक्की है जो हमारा परिवार है। तो गांव वाले यहाँ आते हैं पिसाने, गेहूँ पिसाने आते हैं यहाँ पर। देखो ये रहा, ये चाबी, इसकी चाबी हमारे बड़े पापा के पास है, बट बड़े पापा तो वहाँ गए, खेतरापाल में है। तो गाइस ये चक्की चलती है पानी से, मुंबई में तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है मोटर वोटर से, बट ये मैन मेड है, बहुत साल पुराना है। ये देखो ये मशीन है, वो घूमती है पानी से, पानी यहाँ से आता है। हाँ क्या है, हाँ इसका चाबी बड़ा किसी के पास है ना, तो हमारी बड़ी मम्मी जी है सबसे बड़ी, वहाँ से पानी आता है गाइस। ये देखो ये रहा, अभी वहाँ पे पानी रोका हुआ है, दिख रहा है आपको पत्थर से, यहाँ से तो पानी यहाँ से आता है, यहाँ से अंदर फिर रोटेट होता है, वहाँ से आना है ना, यहाँ से सब घूम के वहाँ से आना है ना। हाँ तो अब हम तीनों अकेले चल रहे हैं यहाँ से, देखे तो वहाँ पे गदरा है पानी का, जमीन पे पैर जोर का रखे साहब, हल्का पैर पे फिसल जाएगा पैर, देखो यहाँ पे ऊपर देख के चलने नहीं होता है, सर ऐसा घूमता है अगर ऊपर देख के चलेंगे ना, इसलिए मैं नीचे ये रास्ता है ना, हाँ यही है। तो अभी वो है उधर, बड़ा पत्थर उधर आगे, मैं रिसेंटली यहाँ आया था इसलिए मुझे रास्ता पता है थोड़ा बहुत। तो भाई ये देखो ये रहा, ये रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर आता है, ये पूरा एक ही पत्थर है वहाँ से लेके यहाँ तक, देख सकते हो आप, ये पूरा एक पत्थर है। हाँ तो भाई ये बाउंड दिख रहा है आपको, पिल्टू से पैर फिसलते हैं बहुत, शूज़ चप्पल स्लो चलना पड़ता है, और ये गद्दा आ गया है, देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आगे जाता है। ये देखो गदरा है गाइस, ये रहा पूरा, बड़े सारे पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे, पूरे बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे। मेरी बहन तो थक गई एकदम से, उसको चलने ही नहीं होता ज़्यादा, बड़ा ऑलमोस्ट पहुँचने वाले। देखो ये रहा बड़ा पत्थर, मैं जब बात कर रहा था ना, आपको भी स्क्रीन पे फ़ोटो आ रही रहेगी, वो मैंने यहाँ खींची थी मेरे भाई के साथ,
देखो वो रहा रोड। कौन सा मजा आया, कैसा लगा तुम लोग यहाँ पे आते? हाँ हम पहुँच गए अब। ये अरविंद लोग का है। सो हम आ गए हमारे खेतापाल वाले घर पे। Hey guys, so ये देखो ये रहा माल्टा है यहाँ पे खेतरापाल के। अभी मैंने यहाँ पे एक तोड़ा है, ऑरेंजेस है ये। एंड देखो यहाँ पे है ये रहा मिर्ची, ये देखो रेड कलर की मिर्ची है उगरी यहाँ पे। यहाँ मिर्ची उगता है एंड वहाँ पे वेजिटेबल्स है सारे। मैं वहाँ पे जा नहीं सकता, बहुत अंधेरा है वहाँ पे और मेरे को डर भी लग रहा है वहाँ जाने। और ये तो ऑरेंजेस तो यहीं पे हाथ में ही आ रहे अभी भी। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा हमने 2 बोरी यहाँ से निकाले थे माल्टा, 2 बोरी भरी, फिर भी यहाँ पे अभी भी बहुत सारे। एंड ऐसे 2-3 पेड़ है हमारे भाई भाई लोगों के। एंड देखो ये करेला खा रही है, कच्चा करेला यहाँ पे अब भी फेंकी। बता क्या चखा नहीं तू? हाँ उसके बाद होता है ना तो गुजा गुजा। ये देखो यहाँ टमाटर भी उगे हुए हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। देखो ये रहा, ये दिख रहा है आपको छोटे छोटे, ये उग रहे हैं अभी। ये पूरा यहाँ पे ना खेत होता है, सारे वेजिटेबल्स उगते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे। बता ये देखो इसको छंतेड़ा बोलते हैं, इसको लोग सिटी में से डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं लोग। और यहाँ पे ये ऐसे गिरे हुए रहते हैं। सो गाइस ये रहा करेला, अभी हम तोड़ के लेके जा रहे हैं, इसकी भाजी बनाएंगे बाद में सुखा के थोड़ी ना सुखा के। तो सुखाना पड़ता है। सुखाना पड़ता है बाद में भाजी बनता है। अच्छा ये देखो ये रहा नींबू, इतना बड़ा नींबू होता है। पेड़ है वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। भरला हुआ ना ये नींबू है ना, इसका खटाई बनने का। खटाई बन रहा है इसका, सिर्फ खटाई बनता है। इतना बड़ा नींबू गाइस, मैं आपको अभी नींबू का पेड़ दिखाता हूँ जहाँ से मनीषा ने लाई ना वो नींबू। कहाँ है मस्त दादा जी? अपना अच्छा ना है आज। हाँ काम तो बन। हाँ फोटो चढ़ना होनी एक। हाँ वीडियो अच्छा बनो तो कहीं चढ़ा। हाँ यहाँ मेरे दादाजी है, फोटो कहीं चढ़ा। हाँ और ये दादी जी ये यहाँ पे रहते ना। ना ना चाना अभी खाना खाए हमने ना ना चाना ना ना। ये देखो ये रहा नींबू का पेड़, यहाँ सब लकड़ी ही लकड़ी है। ये देखो पूरा नींबू है यहाँ पे, नींबू का पेड़ है ये। यहीं पे रहते हैं इतने जंगल में दादा दादी है। सो गाइस आपने देखा ही होगा अभी करेला यहाँ पे सारे ऑर्गेनिक है। ये था वो करेले का सारा करेला यहाँ से निकाली बड़ी मम्मी ने। देखो ये रहा पूरा करेले का है, ये सारे खेत है, ये यहाँ का पुराना नल है। एंड ये रहा 6 रूम ये बहुत पहले बनाया था। एंड यहाँ पे अब जब ठंड होगी तो यहाँ पे रहने नहीं होता है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा। बर्फ़ के टाइम तो यहाँ कोई रह नहीं सकता, बर्फ़ जब गिरती है यहाँ रह नहीं सकते कोई। अभी है दिसंबर जैन में, यहाँ बंद हो जाएंगे ये वो लोग, वहाँ आ जाएंगे रहने, बिकॉज़ यहाँ पे इतनी ठंड लगेगी घर के अंदर। बिकॉज़ ये सब घर सीमेंट के बने हुए हैं और हमारे जो घर है वहाँ वाले वो बड़े बड़े पत्थर के बने हुए हैं, तो पत्थर वाले घरों में ठंड कम होती है, सीमेंट वाले घर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ, अभी 1-2 हफ्ते में तो शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज़ ठंड बढ़ रही है अब।
और अभी हम जाते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं एंड छाव लग रही है अब यहाँ पे और हमें ऑल द वे यहाँ से वहाँ जाना है वो रहा घट फिर वहाँ से घूम के और उधर है। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं 4:30 बज रहा है अभी 4 बजे निकले थे वहाँ से अब घर पे जाएंगे। वहाँ एक खेतरापाल वो जंगल के बीच में हम वहाँ से घूम के नीचे गए पहले गदरा से फिर ऊपर चढ़े और अब यहाँ से आ गए हम। सो गाइस अभी हम घर पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे कबड्डी आपको दिखाता हूँ मैं। गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ इसे लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना अपने थॉट्स को। सो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो रेड कलर का बटन होगा उसे दबा दे और मुझे सब्सक्राइब करे एंड मुझे सपोर्ट करे और इस वीडियो को शेयर करे जितना हो सके और अपने थॉट्स को कमेंट करे एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।